हेलो गाइस, दिस साइड आकाश माथुर फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल मिस्टर वाइड स्कूल। ये हमारा फिफ्थ ट्यूटोरियल है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, जिसमें आज हम अपने पिछले वीडियो में डाउनलोड किए गए आईडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि था हमारा कोड ब्लॉक्स, आज हम सीखेंगे कि उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर हम किस तरीके से एक प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं और उस प्रोग्राम के लिखे गए इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो चलिए हम अपने इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आईडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोड ब्लॉक्स ओपन हो रहा है। इसके ओपन होते ही देखिए यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट का यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने न्यू फ्रॉम टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हमें कंसोल एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें कंसोल एप्लीकेशन के डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सी को सेलेक्ट करके फिर से नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। हमें यहाँ पे एक प्रोजेक्ट टाइटल दे देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे AABB दे देता हूँ। ये हमने प्रोजेक्ट टाइटल दे दिया। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई दूसरा टाइटल भी दे सकते हैं। हमें फिर उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही एंड में हम यहाँ पे फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल दिया था AABB, और इसी के नीचे एक फोल्डर बने हुआ आ रहा है हमारे पास सोर्सेज, तो हमें सोर्सेज पर क्लिक कर देना है और इस मेन सी पे क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने पहले से कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए आ गए, जिसमें से हम यहाँ पे जो हैश इंक्लूड stdio.h की जो हेडर फाइल है इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। और इस तरीके जो हमने यहाँ पे ये जो अलग तरीके की हेडर फाइल्स हैं, इसे हम अपने आने वाली वीडियोस में एक एक करके समझते हुए चलेंगे। तो हम यहाँ पे एक सिंगल लाइन कमेंट बना देते हैं, और मैं इस कमेंट को क्यों बना रहा हूँ और इसका क्या यूज़ है हमारी प्रोग्रामिंग में, तो वो भी मैं आपको भी समझाऊँगा अभी कुछ देर में। तो चलिए यहाँ पे मैं सिंगल लाइन कमेंट बना देता हूँ। ये बना दे मैंने हेडर फाइल। यहाँ पे मैं एक मल्टी लाइन कमेंट्स बना देता हूँ। देखिए इस तरीके से यहाँ पे एक मैंने मल्टी लाइन कमेंट बना दिया। तो मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, हम यहाँ पे मल्टीपल लाइंस पे अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, जो भी हमें लिखना है तो वो लिख सकते हैं मल्टीपल लाइंस पर। जो हमें सिंगल लाइन कमेंट होता है उसमें हम सिंगल लाइन पर सिर्फ एक कमेंट लिखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक ये देखिए मल्टी लाइन कमेंट्स बना लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब हम ये समझेंगे कि यहाँ पे हैशटैग जो भी हमारे किस काम में आ रहा है, इंक्लूड किस काम में आ रहा है, जो हमारी ये हेडर फाइल है ये किस काम में आ रही है, इंट मेन का यहाँ पे क्या काम है, प्रिंट एफ जो हमारा फंक्शन है इसका यहाँ पे क्या यूज़ है, रिटर्न जीरो हम यहाँ पे क्यों करा रहे हैं, ये सब हम अब समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं हैशटैग को। जो हमारे यहाँ पे ये हैशटैग है इसे हम समझेंगे। तो जो हमारा हैशटैग है ये वर्क करता है एज अ प्री प्रोसेसर। तो ये क्या करता है, जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस लिखे तो हमने अपने ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लिखे उसे हम समझ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर थोड़ी समझ सकता है उसे। तो जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस लिखे है वो हाई लेवल लैंग्वेज में है। तो जो हमारा प्री प्रोसेसर है, जो हैशटैग है, वो क्या करता है, जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी है तो उस इंस्ट्रक्शंस की हाई लेवल लैंग्वेज, जो भी हमने हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखी है तो हाई लेवल लैंग्वेज को ये कन्वर्ट कर देता है, मतलब हमारे इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, जिससे जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है समझ जाता है कि जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं तो उन इंस्ट्रक्शन से जो भी आउटपुट आने वाला है तो कंप्यूटर को समझ में आ जाता है कि इन इंस्ट्रक्शन से मेरे को क्या आउटपुट जनरेट करना है। तो इसलिए इस तरीके से हमारा हैशटैग वर्क करता है यहाँ पे। अब हम समझेंगे यहाँ पे कि इंक्लूड का क्या काम है। तो जो हमारा इंक्लूड है वो क्या करता है कि हमारी जितनी भी हेडर फाइल्स होती हैं उसे लिंक कर देता है हमारे प्री प्रोसेसर के साथ। अब हम बात करेंगे हेडर फाइल की। तो जो हमारी stdio.h है इसकी बात करेंगे हम। तो जो हमारे ये हेडर फाइल है, हमारी हेडर फाइल जो है वो कंटेन करती है सी लैंग्वेज के फंक्शंस को। इन फंक्शंस का हम यूज़ कर सकते हैं अपनी कोडिंग में। और मल्टीपल जो हमारी हेडर फाइल्स है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडर फाइल्स हमारी कंटेन करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को। और जो हमारी ये stdio.h है, जो stdio.h है ये हमारी एक हेडर फाइल है जो कंटेन कर रही है सी लैंग्वेज के फंक्शंस को, ठीक है। तो हमारे जो दो मेन फंक्शंस हैं stdio.h हेडर फाइल के, वो हैं हमारे प्रिंट एफ और स्कैन एफ। तो जो हमारा प्रिंट एफ है तो आउटपुट स्क्रीन या डिस्प्ले स्क्रीन पे अगर हमें किसी भी डेटा को प्रिंट कराना है तो हम प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते हैं। या और जो हमारा स्कैन एफ है उसका इस्तेमाल हम जब रन टाइम पे या डिस्प्ले स्क्रीन पे किसी भी तरह का हमें डेटा इनपुट कराना है यूज़र के थ्रू, तो तब हम स्कैन एफ का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे इंट मेन की। तो इंट मेन जो हमारा है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंट मेन में हमारा जो इंट है तो वो हमारी डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हमारा इंट डेटा टाइप है वो हमारा
दो बाइट को कंटेन करता है। और यहाँ पे जो इंट मैंने ये रिप्रेजेंट करा है कि जो हमारा मेन फंक्शन है वो हमारे इंट टाइप का है, और जो हमारा मेन है वो हमारा एक फंक्शन है जो कंटेन करता है इंस्ट्रक्शंस को और अमाउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को। और जो हमारा मेन फंक्शन है वो किसी वैल्यू को रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा कि जो डिक्लेरेशन है वो किस डेटा टाइप की है। जैसे कि यहाँ पे हमने इंट मेन लिया है, ये हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पे हमने इंट मेन लिया है, तो इंट मेन लिया इसलिए हमने यहाँ पे एक रिटर्न वैल्यू कराई है जो कि है ज़ीरो, ठीक है। फिर अगर हम void main लेते हैं, तो अगर हमने void main लिया है तो हमारे यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि जो हमारा मेन फंक्शन है वो void टाइप का है। तो void main में हमें किसी भी तरह की जो हमने यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो लिखा है इस टाइप का हमें कुछ भी लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे ये हमारे curly braces की। तो जो हमारे curly braces हैं वो हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट को और एंडिंग पॉइंट को शो करते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है ये, और यहाँ से देखिए प्रिंट एफ हमारा स्टार्ट हुआ है और हमारा एंडिंग पॉइंट था रिटर्न ज़ीरो। तो इस तरीके से देखिए रिटर्न ज़ीरो के बाद यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे क्लोज हो चुका है, तो ये एंडिंग पॉइंट को शो कर रहा है हमारा, ये जो नीचे वाला कर्ली ब्रेसेस है और ऊपर वाला कर्ली ब्रेसेस स्टार्टिंग पॉइंट को शो कर रहा है। तो जो हमारे कर्ली ब्रेसेस है वो कंपाउंड स्टेटमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट को और एंडिंग पॉइंट को शो करते हैं। और जो हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट है ये एक सिंगल स्टेटमेंट की टर्मिनेशन होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये मैंने प्रिंट एफ लिखा, इसके अंदर जो भी मैंने डेटा लिखा है हेलो वर्ल्ड, देखिए फिर इसे मैंने टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से हमारी न्यू स्टेटमेंट शुरू होगी और न्यू स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होगा। तो टर्मिनेशन का मतलब ये है कि हमारी ये स्टेटमेंट यहाँ पे ओवर हो चुकी है, अब हम अपनी न्यू स्टेटमेंट में ध्यान देंगे और न्यू स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन होगी। तो इस तरीके से देखिए कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे कमेंट बनाया है मैं इसे एक ही लाइन में भी कमेंट बना सकता हूँ, ठीक है। और जितनी भी हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी मैं एक लाइन पे लिख सकता हूँ थ्रू इस टर्मिनेशन के। अब हम बात करेंगे प्रिंट एफ की। तो जो हमारा प्रिंट एफ फंक्शन है वो फंक्शन हमारा अवेलेबल है stdio.h हेडर फाइल में। तो प्रिंट एफ का हमारा ये काम होता है कि जो भी हमारी डिस्प्ले स्क्रीन है या आउटपुट स्क्रीन है तो उस पर किसी भी डेटा को प्रिंट कराना। तो ये हमारी प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ है। और जो हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया है, जो भी ये हमारे ब्रैकेट्स है, तो ये जो हमारी पैरेंथेसिस है ये क्या करते हैं हमारे फंक्शन में इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं कि जो भी हमारी आउटपुट स्क्रीन है उसमें किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के इस्तेमाल में किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इन डबल कोट्स की। तो जो ये हमारे डबल कोट्स है ये क्या करते हैं कि जो भी हमारी कंसोल स्क्रीन होती है तो उस कंसोल स्क्रीन पे किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के इस्तेमाल में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे इस सेमीकोलन की। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली स्लाइड में आपको बताया कि हम जो भी हमारा सेमीकोलन है उसके थ्रू हम यहाँ पे टर्मिनेट कर देते हैं अपने स्टेटमेंट्स को। तो इसी तरीके से जो हमारा ये सेमीकोलन है इसकी मदद से हम किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देते हैं और उसके बाद के जो स्टेटमेंट होते हैं उन्हें एग्जीक्यूट कराते हैं। तो जिस भी हमें स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना था हम वहाँ पे अपने सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हमारी न्यू स्टेटमेंट लिखेंगे और जब हम उसे रन करेंगे तो जिस तरीके से हमने टर्मिनेशन लगाए हैं जहाँ जहाँ पे सेमीकोलन लगाए हैं तो उस तरीके से एक एक करके हम उन स्टेटमेंट्स को जो भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी हमारा ये कंप्यूटर सिस्टम है वो उसे रीड करता हुआ जाएगा लाइन बाय लाइन कि पहले वाली इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होगी फिर टर्मिनेट हुई फिर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएगा फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये जो भी सेमीकोलन है टर्मिनेट का काम करता है। अब हम बात करेंगे रिटर्न ज़ीरो की। तो हमारा रिटर्न जो ज़ीरो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेन फंक्शन किसी वैल्यू को रिटर्न करेगा या किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा तो डिपेंड करती है डिक्लेरेशन ऑफ देयर डेटा टाइप। तो यहाँ पे मैंने जब शुरू में आपको ये अपना दिखाया था इंट मेन, ठीक है, तो इंट मेन में जो हमारा मेन है तो मैंने आपको बताया कि इंट तो मेरा यहाँ पे शो कर रहा है डेटा टाइप को कि इंट डेटा टाइप है और इंट कंटेन कर रहा है दो बाइट्स को, और इंट मेन यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा मेन फंक्शन है वो इंट टाइप का है तो हमें एक वैल्यू रिटर्न करानी पड़ेगी। तो इसी तरीके से जो मेरा यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो है तो मैं इसके लिए इंट मेन आपको लगाना ज़रूरी है, किसी दूसरे तरीके के जो भी हमारे मेन के फंक्शंस के टाइप है तो वो हम अपनी आने वाली वीडियोस पे जो भी हमारी वीडियोस आएंगी उसमें हम एक एक करके आपको बताते जाएंगे। तो जो यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो है इंट मेन के लिए तो रिटर्न ज़ीरो हमारा ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि जो भी हमारा मेन फंक्शन है इंट मेन जो हमारा फंक्शन है उसमें
रिटर्न जो जीरो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि रिटर्न जीरो का हमारा ये मतलब है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो बिल्कुल ही सक्सेसफुली काम कर चुका है, द प्रोग्राम वर्कड फाइन, इसका मतलब ये है। और अलग अलग तरीके की जो हम रिटर्न यहाँ पे वैल्यूज कराते हैं वो मैं आपको अपने आने वाली वीडियोज़ में समझाऊँगा एक एक करके। अब हम बात करेंगे कमेंट्स की कि हम सी लैंग्वेज में हमारे कौन कौन से कमेंट होते हैं। पहला हमारा होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट इस तरीके से होता है, देखिए डबल स्लैश से आपका स्टार्ट होगा और आप सिंगल लाइन में कोई भी कमेंट लिख सकते हैं। और जो हमारा मल्टी लाइन कमेंट है वो इस तरीके से स्टार्ट होता है, स्लैश स्टार से इसकी स्टार्टिंग होती है, फिर आप मल्टी लाइन कमेंट जितने आपको लिखने हैं वो लिखिए, और उसके बाद इसकी क्लोजिंग होती है स्टार स्लैश से। तो इस तरीके से हम सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा हैशटैग है, यहाँ पे जो हमारा हैशटैग था ये देखिए यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा था, ये वर्क कर रहा था हमारे एक प्री प्रोसेसर की तरह। तो जितनी भी हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी थी हाई लेवल लैंग्वेज में तो वो उन्हें कन्वर्ट कर रहा था मशीन कोड में, ताकि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो समझ सके कि किस जो भी इंस्ट्रक्शंस है उन्हें किस तरीके से एग्जीक्यूट कराना है। तो जो हमारा हैशटैग है कमेंट्स को वो इग्नोर कर देता है, क्योंकि कमेंट्स जो है वो ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग के लिए, मशीन की अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है। कमेंट्स हमने इसलिए बनाए कि अगर कोई दूसरा यूज़र हमारे कोडिंग को देखे, हमारे प्रोग्राम को देखे, तो उसे समझ में आ जाए कि इस इंस्ट्रक्शन की क्या वर्किंग हो रही है, और वो अगर उसमें कोई चेंजेस करना चाहे तो उन कमेंट्स को पढ़ के इजिली कर सकता है। इसलिए जो हमारे कमेंट्स है वो ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है। इसलिए जो हमारा हैशटैग है जो वर्क कर रहा है प्री प्रोसेसर की तरह, तो वो इग्नोर कर देता है हमारे कमेंट्स को। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने पूरा प्रोग्राम कोड लिख लिया, और हमने सारी बातें यहाँ पे समझ ली कि हैशटैग का यहाँ पे क्या काम है, इंक्लूड का क्या काम है, हमारी हेडर फाइल क्या होती है stdio.h, हमारी किस तरीके की हेडर फाइल है, इंट मेन क्या है हमारा, रिटर्न जीरो, ये सिंगल लाइन कमेंट और ये मल्टी लाइन कमेंट, तो ये क्या है हमारे, ये प्रिंट एफ वगैरह भी हमने, प्रिंट एफ फंक्शन क्या करता है हमारा, ये हमने यहाँ पे सीख लिया है। और जो मैंने आपको ये भी बता दिया कि कमेंट यहाँ पे किस लिए लगाते हैं, कि कमेंट बेसिकली अगर आप जैसे कि वर्किंग कर रहे हैं आप अपने प्रोग्राम पे, तो आप धीरे धीरे वहाँ पे कमेंट्स लगाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं कि आपने इस इंस्ट्रक्शन में क्या किया है। अगर कोई दूसरा यूज़र आपकी कोडिंग को देखता है या आपके प्रोग्राम को देखता है, तो उसे ईजिली समझ में आ जाए कि उस यूज़र को ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए कि इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या वर्किंग हो रही है, इसलिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब इसे हम यहाँ पे रन करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे सिंपली हम इसे पहले कंपाइल कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा कंपाइल हो चुका है, हम फिर बिल्ड में जाएंगे और यहाँ पे बिल्ड एंड रन पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए अभी यहाँ पे हमारी प्रोसेसिंग हो रही है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रिंट किया, देखिए यहाँ हमने यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा था, तो वो हमारे यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड हो गया। हमारी आउटपुट स्क्रीन में हमारा प्रिंट जो भी हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था वो यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से हम इस अपने आईडी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे एक प्रोग्राम लिखते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं। और हम अब अपनी आगे आने वाली वीडियोस पे जिस अलग अलग तरीके की जो भी हमारी हैं, जो भी हमारे फंक्शंस हैं, उन्हें इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको और उनकी क्या क्या वर्किंग है वो आपको करके दिखाएंगे। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक बटन को हिट करें, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक बटन को हिट करें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट्स को लीव करें, हम आपके कमेंट्स पे जो भी आपके डाउट्स होंगे उन्हें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो देन बाय गाइज, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।